डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। फाइनली आरपीएससी प्रोग्रामर का एग्जाम जो है वो होने जा रहा है, तो बधाई हो सबको, क्योंकि 2 साल से वेट कर रहे थे इस एग्जाम के लिए और फाइनली एग्जाम जो है वो 2 दिन बाद होने जा रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारा प्रेशर होता है हमारे अंदर, किस तरीके से हमें चीजें ध्यान में रखनी है। ऐसा ना हो कि एग्जाम की प्रिपरेशन हमने बहुत अच्छे से ढंग कर ली और जब लास्ट मोमेंट पे एग्जाम देने गए, एग्जाम सेंटर में गए या उस सीट पे जाके बैठे हैं जहां पे मेरा एग्जाम हो रहा है, वहां पे कुछ इस तरीके से गड़बड़ हो गई और आपकी मेहनत जो है वो उसके ऊपर पानी फिर गया। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये पॉइंट जो है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, लास्ट तक जरूर सुन ले, ज्यादा लंबा नहीं बताऊंगा, बट मेन मेन चीजें आपको बताने जा रहा हूं। तो देखो, जैसा आपको पता है कि यहां पे 2 पेपर होने जा रहे हैं। पेपर 1 जो है उसका टाइमिंग है आपका 10:30 से 12:30, मतलब आपका पेपर 1 जो है वो 2 घंटे का टाइम है और उसमें आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, मतलब आपका 100 मार्क्स का पेपर 1 है और जिसमें आपका जो रीजनिंग एप्टी राजस्थान जी के और मेन जो पोर्शन है टेक्निकल वाला, उसमें डीबीएमएस और नेटवर्किंग का पोर्शन आने वाला है। तो ध्यान से क्वेश्चंस को स्टार्ट करना, ध्यान से स्टेटमेंट को रीड करना, इतना कम टाइम भी नहीं है बैंकिंग वाले एग्जाम्स की तरह कि आपको जल्दी जल्दी करनी है, नहीं, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने। और यहां पे स्पीड तो देखो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी, और उसका सिंपल सा रीजन है, ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, मेन ये फर्क पड़ता है कि कितने ज्यादा क्वेश्चन आपने ठीक किए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है 1/3। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि यहां पे एक्यूरेसी को पैरेलली लेके चलना। तो जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि स्टार्टिंग में कई बार होता है कि 1-2 क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहे या सॉल्व नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जंप करके किसी और क्वेश्चन पे चले जाओ। जैसे ही आपको लगे कि जो पोर्शन आपका अच्छा, आपको फॉर एग्जांपल डीबीएमएस अच्छे से आता है, तो आप डायरेक्ट डीबीएमएस के क्वेश्चंस पे जाओ। डीबीएमएस के जैसे ही 2-4 क्वेश्चन सॉल्व होंगे या नेटवर्क के 2-4 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो आप वापिस उस पोर्शन पे आ जाओ जहां पे आपको मुश्किल लग रहा है। तो ये ट्रिक्स जब आप अपनाओगे ना, तो आपके क्वेश्चन जो है वो धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा। क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो पहली नर्वसनेस इतनी होती है कि कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, और ऊपर से जब 1-2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो और भी ज्यादा हमारा मोराल नीचे आ जाता है और जो चीज आती होती है वो भी भूलने लग जाते हैं। तो ये चीज हमारे साथ भी हो चुकी है और जितने टॉपर्स हैं वो भी ये चीज बोलते हैं, ऐसा नहीं कि आपके साथ ही अकेले के साथ हो रही, सबके साथ ही होता है। तो इसीलिए जो उस चीज को कंट्रोल कर लेगा वो आपका जो है वो एक तरह से फतेह हासिल कर लेगा। तो इसीलिए सक्सेसफुल, मतलब आपको सक्सेस लेनी है तो उसके लिए आपको कुछ टिप्स जो है वो अपनानी पड़ती है। और इनकेस मैं आपको बताता हूं कि अगर इनकेस आपको बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही है, मतलब सांस भी ऊपर नीचे हो रहा है कि पता नहीं क्या होगा, तो कुछ नहीं है, थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करें, थोड़ा लंबा सांस लें और आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। इधर उधर की फालतू की चीजें मत देखो, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा, आप चुपचाप बैठो, जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तुरंत अपने एग्जाम के ऊपर मेन फोकस रखो। और ये चीजें आप अपनाओगे ना, तो और साथ ही साथ जैसे आपको पता है कि यार एडमिट कार्ड का किस तरीके से प्रिंट लेना है, इन्होंने कलर बोला है तो कलर कितने टाइम पहले पहुंचना, उतने टाइम पहले पहुंचो, अगर कोई आईडी प्रूफ लेके जाना, वो सारी चीजें लेके जाओ। इसके अलावा आपको ये सारी चीजें पता है क्यों ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये चीजें आपको ऑटोमेटिकली रिलैक्स करती हैं। अदरवाइज एकदम से हड़बड़ी में, ओहो मैं फोटो लाना भूल गया, मैंने यहाँ पे फोटो नहीं चिपकाई, मैं कलर पहन वो नहीं लेके आया इसका प्रिंट, या मैं पानी की बॉटल ले आया, या मैं घड़ी पहन के आ गया, अब इसको कहाँ रखूं, ये सारी चीजें आपको पहले ध्यान में रखनी है। तो ये सारी चीजें नोट कर लो, छोटे-छोटे पॉइंट है, छोटी बातें लेकिन इंपॉर्टेंट मोटी बातें हैं। फिर आपको पता है कि उसके बाद जब 12:30 आपका पेपर कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपका दूसरा पेपर जो है वो 3 से 5 आपका दूसरा पेपर होगा। अगेन 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे का टाइम है, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। और इस क्वेश्चन, इस पेपर 2 में आपको पता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला सैड वाला पोर्शन और जावा प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आने, अगेन ध्यान से करना। और जैसे शनिवार आपको आपका संडे को पेपर है ना, तो शनिवार से आप पेपर 2 को एक बार देखना बंद ही कर दो, आप सिर्फ पेपर 1 पे ही मेन फोकस रखो। क्यों, पेपर 1 पे ज्यादा फोकस रखोगे और पेपर 1 की रिवीजन थोड़ा शॉर्ट नोट से करोगे ना, तो आपको जो है वो यहां पे बूस्ट मिलेगा, क्योंकि पेपर 1 अच्छा हुआ ना तो पेपर 2 अच्छे होने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। और इनकेस अगर आपको थोड़ी बहुत रिवीजन करनी भी है, वैसे तो अवॉइड ही करो, लेकिन फिर भी हमें रहता है कि यार लास्ट मोमेंट पे और पढ़ लें, आपके पास फिर भी 1-1.5 घंटे का टाइम होगा इसके बीच में, तो आप थोड़ा बहुत अगर करना चाहते हो कर लो। वैसे हो सकता है कि आप अंदर बैठे होगे तो आपको अलाउ शायद ना ही करें बाहर जाना, तो बट फिर भी आप रिकॉल कर सकते हो थोड़े बहुत पॉइंट्स, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि वैसे तो चार ऑप्शन है हर एक के, लेकिन एक फिफ्थ ऑप्शन है कि अगर आप क्वेश्चन को अन अटेम्प्ट कर रहे हो, नोट कर लो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्वेश्चन को अन अटेम्प्ट कर रहे हो मतलब आपको क्वेश्चन नहीं आता, आपको उसको अटेम्प्ट भी नहीं, तुक्का भी नहीं मारना और आपको आता भी नहीं, तो फिफ्थ ऑप्शन लगाना जरूरी है, ब्लैंक नहीं छोड़ना किसी भी क्वेश्चन को। इवन इन्होंने बोला है कि आपको लास्ट में थोड़ा टाइम मिलेगा, 5-10 मिनट इन्होंने बोला है कि 10 मिनट का टाइम देंगे कि जो बचे हुए आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने, उनमें फिफ्थ ऑप्शन लगाना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि अगर आपके 10% से ज्यादा क्वेश्चन, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 200 क्वेश्चन है तो 10% क्या हो गया 20, अगर 20 क्वेश्चन भी आपने इस तरीके से छोड़ दिए कि जो आपके अन अटेम्प्टेड थे, मतलब आपने फिफ्थ ऑप्शन नहीं लगाया और आपने कुछ भी ऑप्शन नहीं लगाया उसमें, तो डिस्क्वालीफाई तक कर सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखना कि जो पेपर आपको स्टार्टिंग में आपको फिफ्थ ऑप्शन पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सॉल्व कर रहे हो, इनकेस नहीं भी सॉल्व होता तो रुक जाओ, लास्ट में आपको टाइम देंगे थोड़ा सा, तो वहां पे आपको जो जो लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ तो उसमें फिफ्थ ऑप्शन लगाना है, अदरवाइज आपको बाकियों को तो नॉर्मल सॉल्व करके देखना है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है ध्यान में रखना, और इन पॉइंट्स को अगर ध्यान में रखोगे तो उतना ही कूल रहोगे, और जितना आप कूल रहोगे पेपर में उतने ही आपके ज्यादा क्वेश्चन जो है वो ठीक होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए ऑल द वेरी बेस्ट, गिव योर बेस्ट, और डेफिनेटली अगर आपने अच्छे से मेहनत की है ना तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, कोई रोक ही नहीं सकता है यार इस चीज को। तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।